आज मैं विनेश फोगट के घर पे आया हूँ। एकेडमी है, उनके उस्ताद जी हैं, उनके कोच हैं कुश्ती में, क्योंकि पंजाब भी कुश्ती में बहुत आगे रहा है, तो हमें पता है कुश्ती में कोच नहीं बोलते, कुश्ती में उस्ताद जी बोलते हैं। तो उस्ताद जी जो हैं वो खड़े हैं, गम है दुख है कि हमारी बेटी जो है वो गोल्ड, बस सामने गोल्ड मेडल पड़ा था बस, पर कोई टेक्निकल 100 ग्राम वजन का कोई इशू आ गया। एक दिन में 3-3 मुकाबले जीतने और तीनों में दिग्गजों को हराना, जो डिफेंडिंग चैंपियन थी उसको हराना, पुरानी ओलंपिक की सिल्वर मेडलिस्ट को हराना। तो कल रात मैंने मैच देखा था जी, पहले 2 आए नंबर हमें, पहली ट्राई जब फोगट ने की, फिर 4-0 हुआ, फिर उसके बाद उसको 2 मिले, 4-2 हुआ, फिर हमें 1 मिला, 5 हुआ, फिर बिल्कुल 10 सेकंड रहते थे जब, तब उसको 2 नंबर और मिल गए, तो मामला, तो फिर हमें 1 और मिला, 7-5 से वो मुकाबला जीता। मैं बहुत बड़ा स्पोर्ट्स लवर हूँ, मैं सेकंड भी जानता हूँ, घड़ी का भी थोड़ा चक्कर पड़ा था कि 8 सेकंड जो है वो घड़ी थोड़ा 2 सेकंड और बढ़ाओ, और हमने, मुझे पता है कि फोगट ने अपने कोच को बोल के रिव्यू भी लिया था कि मेरा पांव पहले नहीं गया था बाहर, उसका क्यूबा की उसका गया था, लेकिन वो फैसला हमारे पक्ष में नहीं आया, उसको नंबर मिल गया। तो यहाँ के ऐसी टेक्निकल 100 ग्राम की जो साहब बता रहे हैं, अगर वहाँ के जो स्टाफ है उनके साथ फिजियोथेरेपी, अगर बाल ही कटवा देते 200 ग्राम के तो बाल ही थे फिर, तो किसकी गलती रही होगी ये। तो लेकिन ये दुख इस बात का है, मैं कोई इसको राजनीति से जोड़ना नहीं चाहता हूँ, मैं स्पोर्ट्स लवर हूँ, मैं नहीं चाहता स्पोर्ट्स में राजनीति आए, लेकिन मुझे ये बता दीजिए कि हमारी जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जितने भी मेंबर वहाँ गए हुए हैं वो किस काम के लिए गए हुए हैं? घूमने गए हैं, ऐश प्रस्तियाँ करने गए हैं देश के जनता के पैसे पर, क्यों नहीं उन्होंने ये मामला उठाया कि हमें एक और चांस दीजिए, दोबारा करिए। एक दिन में वो लड़की 3 मुकाबले जीत रही है, अगले दिन 100 ग्राम बढ़ा के उसको कह रहे तुम आगे नहीं लड़ोगी, तेरे पुराने मुकाबले भी कैंसिल, ये क्या हो रहा है? हमें कम से कम विश्व गुरु तो हम बनना चाहते हैं, लेकिन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एक बार भी आपत्ति नहीं उठाती। देखिए यहाँ छोटे छोटे हम क्रिकेट के जो गली क्रिकेट है उसमें भी हम कहते हैं नहीं यार मैं आउट नहीं हूँ, मैं आउट नहीं हूँ, नहीं 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 आप मिल लो यार मिल लो जे, तो मतलब हद है। हॉकी में हमारे प्लेयर को रोहित दास को हॉकी, चलो हम सेमीफाइनल में कल रात हार गए कोई बात नहीं, नीदरलैंड और जर्मनी जाएंगे, पूरी ओलंपिक में हॉकी में एक ही रेड कार्ड आया भारतीय प्लेयर को, और उसका हर एक कोई निंदा कर रहा है कि ये कैसे रेड कार्ड है, ऐसे एक मूविंग में स्टिक जो है वो ऐसे लग गई, जानबूझकर मारी हो तो बिल्कुल रेड बनता है, वो रेड कार्ड मिला। एक हमका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक हमारा गोल डिसलाव हुआ, उस वो भी डिसलाव नहीं बनता था, थोड़ा तो हम यूक्रेन की जंग को तो रुकवा रहे हैं पापा, मोदी जी ने यूक्रेन की जंग रुकवा दी, अरे हमारे प्लेयरों के पक्ष में तो खड़े हो जाओ। और हाँ, जब वो फाइनल में पहुंची तब कोई ट्वीट नहीं, जब वो डिस्क्वालीफाई होगी तब तुम बेटी हो, तुम चैंपियनों की चैंपियन हो यार, काम हो साथ, तो मैं भी खड़ा हूँ साथ खड़ा हूँ। हमें अप्लाई कर, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सुनीता रानी ने हमारे लिए एशियाई खेलों में मेडल जीता, सुनीता रानी सुनाम से थी, उसका डोप टेस्ट पॉजिटिव आ गया, उससे मेडल छीन लिया गया, जो बेचारी को यहाँ ढोल मटक धमाकों के साथ उसको लेके आना था वो सारा प्रोग्राम कैंसिल करने पड़ गए। उसने अप्लाई कर दिया, मतलब कोर्ट में चैलेंज कर दिया, इसको अपील कर दी, 10 दिन के बाद उसका जो डोप था वो क्लियर हो गया और उसको मेडल वापस मिल गया, आजकल पंजाब पुलिस में है वो। तो कम से कम कहीं ना कहीं अप्लाई तो करें, और मुझे तो मैं आते आते ही देख रहा था कि अब क्यूबा की जो जिसको हराया कल रात विनेश ने उसको फाइनल में एंट्री दे दी, अब तो फिर खत्म ही हो गए चांस, फिर तो
थोड़ा बहुत तो ये होना चाहिए। भारतीय कुश्ती संघ क्या, एक मिनट, भारतीय कुश्ती संघ क्या कर रहा है? इसी विनेश फोगट को पहले दरियों पे बिठाया जंतर मंतर पे, रो रही थी वो टाइम दरियों पे बैठे था, वो टाइम गद्दे पे प्रैक्टिस करने का था। क्या सिस्टम जिम्मेदार नहीं है इसके लिए? कहीं ना कहीं तो मानना पड़ेगा। हमारे प्लेयरों को पहले तो अपने हक मांगने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है, वहां पे दरियों पे जाके बैठ के, वहां जंतर मंतर पे धरने, जिंदाबाद मुर्दाबाद, ये प्लेयरों का काम है जिंदाबाद मुर्दाबाद, और उनको करनी चाहिए थी यहाँ प्रैक्टिस। अब जब वो अपनी बलबूते पर फाइनल में पहुंच गई, तब एक 100 ग्राम 50 ग्राम का टेक्निकल। संदीप जी कह रहे हैं कि ये फिजियो न्यूट्रिशनिस्ट और जो उनके साथ डॉक्टर होता है, उसकी मेडिकल होता है, वो उसकी जिम्मेदारी होती है। अच्छा, आप इस पर क्या कहेंगे? देखो जी, ये तो पहले भी कहते थे कुश्ती संघ में किसकी जिम्मेदारी थी पहले, क्यों लड़कियां वहाँ पे, हमारी बेटियां वहाँ पे सड़कों पे गंगा किनारे अपने मेडलों को गंगा में बहाने के लिए चली गई थी? उसकी जिम्मेदारी इन्होंने तय की किसी को, किसी की तय की किसी ने? ये क्या समझते हैं यार, हम छोटे छोटे गांव से उठ के लोग, मैं मुख्यमंत्री बन गया छोटे से गांव से उठकर, ये छोटे से गांव से उठकर लड़की ओलंपिक में खेल रही है, छोटे से छोटे गांव से उठकर लोग, हमारे बच्चे मेडल ले रहे हैं। ये चाहते नहीं है कि हम छोटे छोटे लोग, हम आम घरों के आम बेटे बेटियाँ जो है कामयाब हो जाएँ ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, एशियाड में, या पॉलिटिक्स में, या कहाँ भी, ये चाहते ही नहीं है। देखो मैं इसके बारे में तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ इतना है कि ये मतलब कोई ना कोई तो, देखो ये हर वक्त आधी रात को उठ के अपना वेट करेगी क्या विनेश? ये काम तो कोचेस का या उनके उनके जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनका है कि सुबह मैच से पहले क्या करना है, क्या खाना है, रात को क्या खा के सोना है। ये तो बहुत ही बहुत करना चाहिए था, अब करना चाहिए क्या है? अब तो उन्होंने दे दिया क्यूबा की जो रेसलर है उसको, अब इससे पहले करना चाहिए था। हाँ, ऐड में बोलते हैं मोदी जी ने यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया। मैं चाहता हूँ ये क्यों नहीं रुकवाया, ये बेइंसाफी जो हुई है हमारी लड़की के साथ, रुकवानी चाहिए थी। स्ट्रॉन्ग जो है वो विरोध करना चाहिए था। नीता अंबानी जी बैठी है वहाँ पे, IOC की, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। हाँ जी, क्या किया, कुछ अर्जी दी, एप्लीकेशन तो दे देते तो थोड़ा परिवार को जख्मों पर मल्लम लग जाती कि हाँ चलो कुछ मल्लम, तो बस बता दिया कि हम डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं जी। मैं उसके बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ उनके, देखो उनके कोच हैं बहुत, देखो उनको बहुत दुख हुआ होगा कि उनकी शिष्य एक बिल्कुल गोल्ड मेडल से, बिल्कुल ऐसे गोल्ड मेडल घर पे आता रह गया, लेकिन इनकी 4 बच्चियाँ और तैयार हैं, इन्होंने कहा कि आगे वाली, तो मैं इनको भी बहुत बेस्ट ऑफ लक भी दूंगा। और आने वाले दिनों में पंजाब और हरियाणा, क्योंकि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री मेरे पास है पंजाब में, तो हम पंजाब और हरियाणा मिलकर काम करेंगे, बड़े से बड़े गोल्ड, बड़े से बड़े इन्हीं को हरा के लेके आएंगे।